गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या चल रहा है बच्चों आजकल? रेशियो चल रहा है भाई, रेशियो तो चल रहा है, लेकिन अपना ध्यान रखो सब बच्चे। साथ साथ में कुछ और भी चल रहा है जो चल ही रहा है कम से कम 1-1.5 साल से। जरूर कुछ का नाम ही नहीं ले रहा कोरोना। लास्ट क्लास में हमने कहां तक करा था रेशियो? लास्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों क्या था? टेन इलेवन, ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। देखो रेशियो ना बहुत इजी चैप्टर है, एक बार फिर से समझ लो जो आपको बेसिक समझाया था बस। कुलदीप, ओनली उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अब आगे के जितने चैप्टर्स होंगे बस नाम चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा एकदम सेम। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, करो इसको रीड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आपके पास दो कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। फर्स्ट में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, सेकंड में आपके पास रेशियो है 5:2। आपने दोनों को एक थर्ड मिक्स कर दिया एक जगह, तो आपको फाइनल में बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। कुलदीप, देखो एक बात आप ये समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एकदम सेम टू सेम मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आएंगे, एकदम सेम कुछ इसी से मिलते जुलते होंगे वो, इस टाइप के क्वेश्चन वहां भी आएंगे। तो यहां बस आप एक छोटी सी बात समझ लो भाई, आपके पास दो कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। उस वजह से आपके पास फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है बच्चों 3:2, सेकंड कंटेनर में आपके पास रेशियो है 5:2। भाई आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दो बस। ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें मिल्क है 3, वाटर है 2, तो फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों? 5। सेकंड कंटेनर में मिल्क है 2, वाटर है, मिल्क है 5, वाटर है 2, सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी? 7। अब एक बात आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोली है, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है, तो आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दो भाई, 5 में मल्टीप्लाई कर दो 7 से और 7 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, हो गई दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल। एक बात समझ लो, जब आप 2, 3, 4, 5 कितने भी कंटेनर को एक जगह मिक्स करोगे, आपके पास कोई भी 2-3 कंटेनर है, जब आप उन सबको एक जगह मिक्स करोगे तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। इस बात को याद रखना भाई, आपने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 7 से, तो सेम 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में भी करो, 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 21। 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 14। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 25। और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 10। आपने दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया, उसके बाद आपने इन दोनों को मिक्स करा, तो जब आप 2, 3, 4, 5 कितने भी कंटेनर हो जब उनको मिक्स करोगे कभी भी, तो मिल्क में तो मिल्क ऐड होगा, मिल्क में मिल्क ऐड हो जाएगा और वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, 23:2 आएगा बस। क्वेश्चन इतना सा होगा,
और एग्जाम में जरूर आएगा। दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया, मिल्क में मिल्क ऐड कर दिया, वाटर में वाटर ऐड कर दिया, बस क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ किसी को कोई डाउट? जो आपको वाटरमेलन वाले क्वेश्चन में कराया था वो आएगा दीप्ति मिक्सचर एंड एलिगेशन में, ये है रेशियो। ये 5 and 7 इसलिए करा है कोमल बेटा, यहां आपको फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तो हमने दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करा। 5 × 7 कितना हो गया 35, 7 × 5 कितना हो गया 35। बस इस क्वेश्चन में हमें एक ही कंडीशन गिवन थी कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो हमने दोनों की कैपेसिटी को इक्वल बना लिया 35। बात समझ आई कोमल? आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस आपको कैपेसिटी को इक्वल करना है। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, 2 equal glasses। भाई अगर आपके पास 2 glass है और दोनों इक्वल है तो इसको मतलब दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी। बस कैपेसिटी इक्वल करके अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। सर 19:11 है इसका आंसर। बिल्कुल दीप्ति, बहुत दिन बाद आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, मेरी तबीयत खराब हो रही थी कुछ टाइम से, अभी भी खराब ही लग रही है। हमें तो हिमेश रेशमिया बने हुए नजर आ रहे हैं कुछ। हाँ गला खराब है और कोल्ड भी था है थोड़ा सा, अब तो काफी ठीक हो गया। ओके, ध्यान रखो भाई अपना। देखो आपके पास अल्कोहल और वाटर, इन दोनों को तो वैसे भी मिक्स कर सकते हो बिना दिक्कत बिना परेशानी के, और इतने अच्छे रेशो में मिक्स कर सकते हो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। देखो आपके पास 2 glass है, दोनों इक्वल है, तो बस यहां से एक बात समझ लो भाई, अगर 2 glass इक्वल है तो मतलब दोनों की कैपेसिटी भी इक्वल होगी। बस तो फर्स्ट आपके पास ये जो फर्स्ट ग्लास है इसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 2:1, सेकेंड ग्लास में कितना है 3:2, तो सबसे पहले तो आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर। फर्स्ट ये जो फर्स्ट ग्लास है, फर्स्ट ग्लास की कैपेसिटी है 3, सेकेंड ग्लास की कैपेसिटी है 5, और दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी इक्वल है, तो आप क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, दोनों ग्लास की कैपेसिटी इक्वल हो गई, तो सेम 5 की मल्टीप्लाई अब इधर कर दो, 5 × 2 कितना होगा 10, 5 × 1 कितना होगा 5, 3 × 3 कितना होगा 9, 3 × 2 कितना होगा 6। उसके बाद एल्कोहल में एल्कोहल ऐड हो जाएगी और वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा, तो आपके पास इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 19:11। बात समझ आई बच्चों या फिर किसी को कोई डाउट? बोलो देखो इस टाइप के ना आपके पास 2 questions हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? करो इसको भाई, आपके पास कितने भी गिलास हो आपको कुछ नहीं करना, बस उनको इक्वल करके एसिड में एसिड ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, बस करो इसको सॉल्व और बताओ आंसर कितना होगा। सर 4:1:5:4:4। बिल्कुल, वेरी गुड। करो बच्चों ट्राई, देखो जो प्रोसेस आपके पास 2 glass के लिए था सेम 3 glasses के लिए होगा, सेम 4 glasses, सेम 5 glasses, गिलास कितने भी हो जाए
उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। आपको एक लाइन गिवन है, 3 glasses of equal volume, अगर तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है तो मतलब तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो बस तीनों को इक्वल करके एसिड में एसिड ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। फर्स्ट ग्लास की कैपेसिटी है 5, सेकंड ग्लास की कैपेसिटी है 7, थर्ड ग्लास की कैपेसिटी है 9। और आपको एक बात गिवन है कि ये जो तीनों ग्लास हैं, तीनों ग्लासेस की कैपेसिटी इक्वल है, तो आप क्या करो, तीनों की कैपेसिटी को इक्वल करो, 5 में मल्टीप्लाई कर दो आप 7 और 9 से। फाइव में मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7 और 9 से, 5, 7, 9 कैसे आया, 2 और 3 कितना होगा, 5, 3 और 4 कितना होगा, 7, 4 और 5 कितना होगा, 9। भाई आपके पास एक गिलास है, कूमन कोई भी एक गिलास आपके पास है, उसमें आपके पास 2 लीटर है एसिड और 3 लीटर है पानी, तो उस गिलास में टोटल कितना असला होगा, 5 लीटर। तो बस वही है, आपने एसिड और वाटर दोनों को ऐड कर दिया। अब बताओ कोमल, बात समझ आई? अब देखो 7 में मल्टीप्लाई कर दो 5 और 9 से, 9 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे इनको इक्वल करने के लिए, बताओ सर। 35 बस अब इन सेम टर्म की मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 63। ये कितना हो गया बच्चों, 45। और ये कितना हो जाएगा, 35। बस आप देखो एक बात आप याद रखो, इस 5, 7 और 9 इसकी मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, जिसकी मल्टीप्लाई आपने करी है भाई, आपने 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करी है, 7 और 9 से, तो फिर आप 2 में 7 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे। इस बात से भी कंफ्यूज मत हो जाना, देखो 63 multiply 2 कितना होगा बच्चों, 63 multiply 2 कितना होगा, 63 multiply 3 कितना होगा, 189। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है आपने 45 से, 45 multiply 3 कितना होगा, 135 कितना होगा, 180। सेम 35 multiply 4 कितना होगा, 140। 35 multiply 5 कितना होगा, 275। उसके बाद एसिड में एसिड ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, बस रेशियो आ जाएगा, कितना होगा, 5। और इधर कितना हो जाएगा, 1। और ये कितना हो जाएगा, 0.4। इतना ही होगा ना बच्चों, यस सर। तो आपके पास जब आप इन तीनों गिलासेस को एक जगह मिक्स करोगे तो वो जो फाइनल वाला गिलास होगा, उस गिलास में एसिड और एसिड और वाटर का रेशियो होगा बच्चों 401 और 554। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो यहां से ना आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है और दोनों में से एक आएगा जरूर एग्जाम में, और एक क्वेश्चन ये है। अगर आप दोनों में से भी देखोगे तो 80% चांस इस क्वेश्चन के हैं एग्जाम में आने के, करो इसको रीड। प्रोसेस इसका भी सेम होगा, बस इसमें एक छोटा सा स्टेप और ऐड हो जाएगा। देखो एक बात आप समझ लो, अब इस क्वेश्चन के लिए आप एक बात समझो भाई, आपके पास 2 बोतल हैं
उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है, फर्स्ट बोतल में है 2:3 और सेकंड बोतल में है 1:2, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद आपको बोला है कि आपने दोनों को 1:3 में मिक्स करा, आपने दोनों को 1:3 में मिक्स करा, तो आप एक बात बताओ, थोड़ा सा ये सोचो भाई, पहले आप इन दोनों को इक्वल कर लो, उसके बाद ही तो इनको 1:3 में मिक्स कर सकते हो। भाई आपने इन्हें कहीं भी इक्वल नहीं करा, आपने कुछ भी नहीं करा, तो आप डायरेक्ट 1:3 में कैसे मिक्स कर सकते हो? तो जहां भी आपके पास सर, मतलब कि ये जो दो बोतल है, एक जिसमें 2:3 है और दूसरे में 1:2 है, इनको हमने 1:3 में फाइनली डाला है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपके घर में जिम चल रही है क्या दीप्ति? नहीं सर, ये क्लास चल रही है। ये कौन सी क्लास है भी? सर ये एरोबिक्स की क्लास है, मतलब कॉलेज की क्लास है, जी की क्लास चल रही है। कौन पढ़ रहा है इसको? सर ये बस चल ही रही है, इसको कोई नहीं सुनता। तो ये जो टीचर है, इस टीचर की बोलती बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, इसकी आवाज मंदी कर दी मैंने। या फिर एक काम करो, आपके घर में वो होगा होम थिएटर, इसको उसमें लगा दो, ये बच्चे पढ़ लेंगे एरोबिक्स। तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वल करो। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में करा था, फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी है 5, सेकंड की है 3, सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वल कर दो। आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया भाई, अब इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई, अब आप इनको 1:3 में मिक्स कर दो। बस भाई, सबसे पहले आप कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद ही तो 1:3 में मिक्स कर सकते हो। जब तक आपने इक्वल ही नहीं करा, आपको कैसे पता चलेगा कि 1:3 आपने लिया है या फिर नहीं लिया? तो इसका सबसे अच्छा प्रोसेस है, आप क्या करो, सबसे पहले दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर लो, इक्वल करने के बाद 1:3 में मिक्स कर दो। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है? 3 से। सेकंड इक्वेशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है? 15 से। बस अब 3 की मल्टीप्लाई यहां करो, कितना होगा? कभी कभी काम करते हो तुम, करते फर्स्ट क्लास है लेकिन। कुछ चकना चूर नहीं हुआ, अपने पढ़ाई पे ज्यादा। ये हमारे लड़के जो सफाई करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप क्या करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, तुम 3 का टेबल सुनाओ, तुम्हारा पूरा फोकस है। अभी मैं कुछ बोलता तो सही तो मैं, चलो कोई नहीं। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 6। ताली बिगड़ गई। कोई बात नहीं। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 6। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 9। 15 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा बच्चों? 15। 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 30। बस वही प्रोसेस अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 21:39। दोनों को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 7:30। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बस इस क्वेश्चन में आपके पास एक लाइन एक्स्ट्रा थी, 1:3 में मिक्स करना है। प्रोसेस वही सेम है, पहले आप तीनों को इक्वल कर लो दोनों को, उसके बाद 1:3 में मिक्स कर दो। बस बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा?
देखो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप टिन और आयरन को इक्वल कर दो, इक्वल करने के बाद 3:4 में मिक्स कर दो, उसके बाद टिन में टिन ऐड कर दो, आयरन में आयरन ऐड कर दो। सर 13:22 है कौन सा? इतनी फास्ट कैसे कर रहे हो दीप्ति तुम? सर मैंने 15 से 15 करा, 15 को 2 से करा, 30 फिर 20, नीचे 12 है, 12 24 36 फिर बस 39 66, इसको छोटे में कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा करा आपने। सर ये छोटे छोटे टेबल है ना, तो वो याद है मेरे को, ऐसे ही आएगा छोटा छोटा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो ऐसे ही आएगा और आएगा जरूर। देखो आपके पास बच्चों टिन और आयरन, टिन और आयरन का रेशो है 1:2 और 2:3। टिन और आयरन का रेशो है आपके पास 1:2 और 2:3, तो सबसे पहले आपने क्या करा, इन दोनों को इक्वल कर दो। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दी 3 से। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल करने के बाद आप इनको 3:4 में मिक्स कर दो, इक्वल करने के बाद आप इसको 3:4 में मिक्स कर दो। तो आपने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है, 15 से। सेकंड इक्वेशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है, 12 से। तो बस 15 × 1 कितना होगा बच्चों, 15 × 1 कितना होगा, 15 × 2 कितना होगा, 30। 12 × 2 कितना होगा, और 12 × 3 कितना होगा, 36। बस ऐड कर दो, इधर तो 66 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। उसके बाद दोनों को 3 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास जो फाइनल कंटेनर होगा उसमें टिन और आयरन का रेशियो आ जाएगा बच्चों 13:22। बताओ कहानी समझ आई? इक्वल करने के बाद 3:4 में मिक्स कर दिया, फिर टिन में टिन ऐड कर दिया, आयरन में आयरन ऐड कर दिया। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो फिर आप थोड़ा आगे की बात करते हैं, करो इस क्वेश्चन को रीड। आपके पास स्किल्ड, अनस्किल्ड और किलर, इनका रेशियो है 8:5:1 और इनकी डेली इनकम का रेशियो है 5:2:3। आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और इन तीनों की मिलाकर डेली इनकम है 636। तो आपको स्किल्ड की फाइंड आउट करनी है कि इनमें से जो भी स्किल्ड लोग हैं उनकी डेली इनकम कितना होगी। बताओ इसको कैसे करो, रेशियो बहुत इजी चैप्टर है। देखो समझो भाई, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास तीन टाइप के वर्कर है। फर्स्ट है हमारे पास स्किल्ड और सेकेंड है हमारे पास अनस्किल्ड और थर्ड है हमारे पास किलर। इन तीनों का रेशो है हमारे पास 8:5:1। हमारे पास तीन टाइप के वर्कर हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और किलर। इन तीनों का रेशो है हमारे पास 8:5:1। इनकी डेली इनकम का रेशो है 5:2:3। इनकी डेली इनकम
का रेशियो है 8, 5 और 3। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बताओ भाई, एक स्किल्ड पर्सन की सैलरी है 5 रुपीज, तो टोटल 8 स्किल्ड पर्सन की सैलरी कितनी होगी? डेली सैलरी 40। भाई आपके पास, आप एक स्किल्ड वर्कर को 5 रुपए देते हो, आपके पास 8 स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो आप उनको टोटल कितना दोगे? 40। उसके बाद एक अनस्किल्ड पर्सन को देते हो आप 2 रुपीज, आपके पास टोटल कितने अनस्किल्ड वर्कर हैं? 5। तो इन सबको कितना मिल जाएगा टोटल? 10। उसके बाद एक क्लर्क को देते हो आप 3 रुपीज, और आपके पास एक ही क्लर्क है, तो इस क्लर्क को कितना मिलेगा बच्चों? 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास स्किल्ड अनस्किल्ड और क्लर्क जितने भी वर्कर्स हैं उन सबके मिलाकर आपके पास डेली कितना होगा इनकम? 53। भाई आपने स्किल्ड पर्सन को दिया 40, अनस्किल्ड को दिया 10 और क्लर्क को दिया 3, तो आपने तीनों को मिलाकर कितना दे दिया? 53। आपने तीनों को मिलाकर दे दिया बच्चों 53। 53 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 636। 53 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 636। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 12। वन की वैल्यू होगी बच्चों 12। अब देखो 1 की वैल्यू है 12, तो आप मुझे ये बताओ स्किल्ड पर्सन्स को कितना मिल जाएगा? 1 की वैल्यू है 12, तो 40 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 12, तो बच्चों 40 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 480। 1 की वैल्यू है 12, तो बच्चों 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 120। 1 की वैल्यू है 10, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? सॉरी, 1 की वैल्यू है 12, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 36। अब आप सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्किल्ड पर्सन को कितना मिला, तो कितना मिला? 480। अनस्किल्ड को कितना मिला? 120। और क्लर्क को कितना मिल गया बच्चों? 36। अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि भाई ये जो आपको 480 रुपीज आपने दिए हैं, ये 480 आपने टोटल स्किल्ड पर्सन को दिए हैं, तो एक स्किल्ड पर्सन को कितना मिलेगा बताओ? अगर मैं आपसे एक स्किल्ड पर्सन के लिए पूछूं कि भाई यहां से आप मुझे ये बताओ कि एक स्किल्ड पर्सन को कितना मिलेगा, बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? एक स्किल्ड पर्सन को मिलेगा 60। एकदम गलत। फिर से क्वेश्चन रीड करो। 120, ये तो और भी गलत है। भाई आपको क्वेश्चन में एक बहुत खूबसूरत सी लाइन गिवन है कि आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं, आप 15 रुपीज। बिल्कुल ये करेक्ट है भाई, क्वेश्चन में आपको एक लाइन गिवन है कि आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में 5 की वैल्यू गिवन है बच्चों 20। 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? चलो इसको इधर लिख लो थोड़ा। 5 की वैल्यू है बच्चों यहां से 20, 5 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4। 1 की वैल्यू है 4,
तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू है 4, तो आपके पास 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 32। इसका मतलब आपके पास टोटल स्किल्ड पर्संस है 32, आपके पास टोटल स्किल्ड पर्संस है 32 और टोटल इनकम है 480। अगर आप टोटल इनकम को टोटल स्किल्ड पर्सन से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक स्किल्ड पर्सन का पता चल जाएगा कि आपने उसको कितने रुपए दिए होंगे, 15 रुपीज। समझ आई बच्चों बात? अगर आपको एक स्किल्ड पर्सन का फाइंड आउट करना होता तो एक स्किल्ड पर्सन को देते हैं 15 रुपीज। बताओ किसी को कोई डाउट? अब ऐसे ही आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। भाई आपको पता चल गया कि 1 की वैल्यू 4 आ गई, 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20, 120 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो एक अनस्किल्ड पर्सन का आ जाएगा। अब ऐसे किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आप जीनियस बच्चे हो। करो इस क्वेश्चन को रीड। वन ईयर एगो ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:5, ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2:3, बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 4:5, दोनों की करंट ईयर की इनकम है 4,300। तो आपको इन दोनों की अलग अलग इनकम बतानी है, क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन के लिए भी आप अच्छा सा एक मेथड समझ लो। भाई हमारे पास ए एंड बी, ए एंड बी की इनकम का रेशियो है 3:5 और ए और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2:3 और 4:5। भाई आपको क्वेश्चन इतना गिवन है, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास लास्ट ईयर की इनकम है 2 और इधर है 4, तो लास्ट ईयर की जो इनकम है 2 और 4 इसका एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 4। आपको कुछ भी नहीं करना, आप 2 और 4 का एलसीएम लो और उस एलसीएम की मल्टीप्लाई यहां कर, बस। ये बात समझ आई बच्चों? आपने क्या करा, 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 12, एलसीएम की मल्टीप्लाई आपने यहां कर दी। अब आप इनको ऐसा क्यों करा, डेसिमल ना बने इसलिए, बस डेसिमल ना बने इसलिए हमने ऐसा करा। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड है। अभी इसके बाद आपके पास क्वेश्चन देखो और भी आएगा जहां आपके पास ए बी और सी तीन हो जाएंगे, तो इस मेथड को समझ लो। अब ऐसे 3, 4, 5, 6 कितने भी आ जाएं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई करके इनको नोट कर लिया, तो आपके पास यहां कितना हो गया 12 और इधर कितना हो गया 20। बच्चों आपके पास 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू कितना होगी? 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 18। देखो अब अगर आप यहां पर उस 3 को ऐसे ही रहने देते, आप एक बात समझो, अगर उस 3 को तुम ऐसे ही रहने देते तो आपके पास 2 की वैल्यू है 3, तो फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाती, फिर डेसिमल आ जाता, तो उस डेसिमल को हटाने के लिए आपने एलसीएम ले लिया बस। तो आपके पास बच्चों 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 6, 1 की वैल्यू है 6, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 18। उसके बाद देखो 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी?
वन की वैल्यू है फाइव, तो फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ये आपके पास ए एंड बी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया, उनकी करंट ईयर की इनकम का सम कितना होगा? 43। 43 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4300। 43 की वैल्यू गिवन है 4300, तो बच्चों यहां से वन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। वन की वैल्यू है 100, आपको बतानी है ए और बी की करंट ईयर की इनकम। वन की वैल्यू है 100, तो 18 की वैल्यू कितना होगी? 1800। और 25 की वैल्यू कितना होगी? 2500। इसका मतलब ये जो आपके पास ए और बी की करंट ईयर की इनकम है 4300, इसमें से ए की इनकम होगी 1800 और बी की इनकम होगी 2500। समझ आई बच्चों बात? बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगर आप यहां पर थ्री रखोगे, क्वेश्चन वहां से भी हो जाएगा। चलो पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको थ्री से समझा देता हूं। ये समझ आ गया बच्चों? लेकिन आप फॉलो इसी मेथड को करोगे, फॉलो आपको इसी मेथड को करना है, आप उसको भी देख लो एक बार। कितना था रेशियो? 3 और 5। 2 की वैल्यू है बच्चों 3, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 की वैल्यू है 3, 1 की वैल्यू होगी 3/2, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9/2। टू की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू होगी 3/2, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9/2 रेशियो। 4 की वैल्यू है 5, 4 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू होगी 5/4, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 25/4। अब देखो यहां से भी रेशियो फाइंड आउट कर लो, तो सेम ही आएगा 18:25, और वहां से भी सेम ही आया था। तो इससे अच्छा प्रोसेस इसका यही था कि आप डायरेक्ट 2 और 4 का एलसीएम कर दो। दोनों बातें समझ आई बच्चों? दोनों बातें सेम है, बातों में कोई भी फर्क नहीं है। अब इसको ट्राई करो, अब एक बार इसको खुद से ट्राई करो। आपके पास ए बी एंड सी, इनकी आपके पास लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है 3, 4 एंड 5, लास्ट ईयर करंट ईयर, ये कितना हो जाएगा? 4:5, 2:3 और 3:4। इतना आपको क्वेश्चन गिवन है और इनकी करंट ईयर की इनकम है 98,500। तो आपको बी और सी की प्रेजेंट इनकम फाइंड आउट करनी है। क्या करो एक बार ट्राई, वही प्रोसेस 2, 4, 2 और 3 का एलसीएम कर लो। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका 4, 2 और 3 का आप एलसीएम कर लो। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 4, 2 और 3 का एलसीएम आया 12। उसके बाद इस 12 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। बस इस 12 की मल्टीप्लाई करने का रीजन इतना सा है, कहीं फ्रैक्शन नहीं बनेगी, कहीं डेसिमल नहीं बनेगा, बस। उसके बाद अब इनको नोट करके लिख लो, कितना हो जाएगा ये? 36, 48 और इधर कितना होगा? 60। 4 की वैल्यू है बच्चों 36, 4 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू कितना होगी?
फोर की वैल्यू है 36, वन की वैल्यू होगी 9, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 45. 2 की वैल्यू है 48, 2 की वैल्यू है 48, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 24, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 72, 3 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, 3 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20, तो बच्चों 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 80. बताओ यहां तक की बात समझ आई. अब ये आपके पास ए बी और सी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया. इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 197. आपने इन तीनों की करंट ईयर के इनकम के रेशियो को ऐड करा तो ये आया 197. 197 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 98,500. 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितना होगी 500. अब आपको किसी का भी फाइंड आउट करना, 1 की वैल्यू है 500, तो 72 की वैल्यू कितना होगी 36,000. 1 की वैल्यू है 500, तो 80 की वैल्यू कितना हो जाएगी 40,000. बस ये होगा आपके पास. बताओ बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन. करो इस क्वेश्चन को रीड. देखो आपके पास एक पिक्चर है, उस पिक्चर में आपके पास ब्लू और येलो कलर है, तो कंप्लीट पिक्चर में आपके पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4:3. अपर हाफ में आपके पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 2:3. आपको लोअर हाफ में बताना है कि ब्लू और येलो कलर का रेशियो कितना होगा. अब देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन आप इसका एक बहुत अच्छा सा मेथड समझ लो जिसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना. देखो ये आपके पास एक पिक्चर है, इस कंप्लीट पिक्चर में आपके पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है बच्चों 4:3. कंप्लीट पिक्चर में आपके पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4:3, तो बच्चों इसको हमने 400 और इसको 300 कर लिया. हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कंप्लीट पिक्चर में ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 400 और 300. अब ये जो पिक्चर है ये पिक्चर दो हाफ में डिवाइड है, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर दो हाफ में डिवाइड है, एक है अपर हाफ एक है लोअर हाफ. आप मुझे ये बताओ आपके पास पूरी पिक्चर में कितना कलर है 400 प्लस 300 700. इस 700 को आपने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ और लोअर हाफ. तो आप ये बताओ अपर हाफ में कितना हो जाएगा 350 और लोअर हाफ में कितना हो जाएगा 350. बताओ यहां तक की बात समझ आई. उसके बाद अपर हाफ में आपके पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 2:3. इसका मतलब अगर आप अपर हाफ के लिए देखोगे तो 5 की वैल्यू है 350, 5 की वैल्यू है 350, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 की वैल्यू है 350, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 70. 1 की वैल्यू है 70, तो बच्चों यहां से 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 140. 1 की वैल्यू है 70, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 210.
बताओ यहां तक की बात समझ आई? कुछ भी नहीं करा, बस 300 और 400 कर लिया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो भाई, आपके पास कंप्लीट पिक्चर में ब्लू कलर है 400 और अपर हाफ में है 140, तो फिर लोअर हाफ में कितना हो जाएगा? 260। आपके पास कंप्लीट पिक्चर में येलो कलर है 210, अब सॉरी कंप्लीट पिक्चर में येलो कलर है 300, अपर हाफ में है 210, तो फिर लोअर हाफ में कितना हो जाएगा? 90। तो आपको लोअर हाफ में ब्लू और येलो कलर का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या 26:9। बताओ बच्चों समझ आई बात? बाकी सब बच्चे इतने शांत से क्यों बैठे हो, क्या हुआ? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो फिर आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, वो ब्लू और येलो कलर था, यहां पर लैंड और वाटर है, फटाफट से बता दो आंसर कितना होगा। बताओ बच्चों 1:2 को 100 और 200 कर लो, दो हाफ में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ कितना हो जाएगा 150 और लोअर हाफ भी कितना हो जाएगा 150। अपर हाफ में आपके पास रेशियो है 2:3, 5 की वैल्यू है 150, 5 की वैल्यू है 150, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 30, 1 की वैल्यू है 30 तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 60, 1 की वैल्यू है 30 तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 90। अब देखो आपके पास कंप्लीट में आपके पास लैंड है बच्चों 100 और अपर हाफ में है 60, तो लोअर हाफ में कितना हो जाएगा 40। कंप्लीट में आपके पास वाटर है 200, अपर हाफ में है 90, तो फिर लोअर हाफ में कितना हो जाएगा 110, तो लोअर हाफ में रेशियो कितना हो गया बच्चों 4:11। बताओ बच्चों आज की क्लास समझ आई आपको या फिर किसी को कोई डाउट? रेशियो में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी सा चैप्टर है, बस डेली की चीजें डेली रिवाइज करती हूँ। परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन रेशियो बहुत इजी है। बताओ अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट मिला तुम्हें रेशियो में? कुछ मिलेगा ही नहीं रेशियो में डिफिकल्ट। परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन रेशियो एकदम इजी है। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस 10-12-15 क्वेश्चन हो रहे, कंप्लीट हो जाएगा रेशियो, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम बच्चों, ध्यान रखो अपना सब, बाय बाय बच्चों।